जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम अगर हमारे पास में कोई जन बल रहे जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बल क्या बोले मन की बल। अगर पैसा भी नहीं होना, अगर मन की बल हो जाना है जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन जो जगत में जो सबसे बड़ा बल है कभी ये आत्मा बल। जगत में ऐसे कुछ काम है जो कि हम पूरी आत्मा बल से कर सकते हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ पूरी धाम में आना न तो कोई पैसा की बल पर आ सकता है, न तो कोई जन की बल पर आ सकता है, न तो कोई मन की बल पर आ सकता है, न तो कोई आत्मा बल पर आ सकता है। जब तक गुरु जी की और संतों की और श्री जगन्नाथ जी की बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की कृपा की बल नहीं हो, यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकते हैं और कोई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन कर नहीं सकते। इसलिए आज हम सबको ऊपर में महाप्रभु की गुरु जी की बड़ी कृपा है। इसलिए ये जो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, ये ऐसे एक रथ यात्रा है जिसमें श्रीमन महाप्रभु, दुनिया में बहुत यात्रा है लेकिन भगवान कोई यात्रा को स्वयं ठाकुर जी किसी यात्रा में योगदान दिया, उत्सव को पालन करते हैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन केवल श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में ही भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में उन्होंने की जगन्नाथ की रथ यात्रा को उन्होंने किया है। इसलिए कहते ये जगन्नाथ की रथ यात्रा पहले जब ये भी रथ यात्रा हुआ करता था, लेकिन जिस भाव से लोग लोग रथ यात्रा करते हैं ना, हमारे उड़ीसा में कहते हैं कि रथ यात्रा क्यों होता है, कारण है, साधारण रूप में कारण है, क्योंकि जो छोटे जाति का लोग है उनको मंदिर के अंदर में प्रवेश वर्जित है। अभी ठाकुर तो अभी ये लोग दर्शन ही नहीं कर सकते, फिर ये लोग दर्शन करेंगे कैसे। इसलिए ठाकुर जी एक बार साल में घर से बाहर निकलते हैं और निकल करके उन्होंने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं, कहते ये एक साधारण कारण है। और जो पुराण में जो बताया कहते रथे बावनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब अगर रथ के ऊपर में एक बार श्री जगन्नाथ जी को कोई दर्शन कर ले कहते उसको जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए जब श्री जगन्नाथ जी को ले जाते हैं ना पकड़ करके, बड़ी गाली गलौज करते हुए ले जाते हैं, आप तो उड़िया भाषा नहीं समझोगे, हम तो उड़ीसा के हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं जगन्नाथ जी को जब रथ यात्रा में ले जाते हैं ऐसे गंदी गंदी गाली निकालते हैं, ऐसे गाली निकालते हुए उनको जगन्नाथ जी की रथ चलती है। लेकिन उसकी असली तात्पर्य क्या है, ये जो गाली है ना बड़ी प्यारी गाली है। देखना अगर पति कभी पत्नी को बोले तेरे लिए बढ़िया साड़ी ला दूंगा, तेरे लिए ऐसे गहना ला दूंगा, तेरे लिए ऐसे कपड़ा ला दूंगा, अगर टाइम पर नहीं लाए ना पत्नी क्या कहती है, हाँ कितने बढ़िया साड़ी पहना है हमने तो देखा है, कितने आपने हमारे लिए गहना ले आए हमने देख लिया है, हाँ रोज रोज हम गहना पहनते हैं, रोज रोज बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनते हैं, लेकिन वो ऊपर में तो गाली लगती है लेकिन हृदय में बड़ा प्रेम है। कहते उसी तरह ये गोपियाँ जब श्री जगन्नाथ जी को ले जाते हैं, गोपियाँ जब ले जाती हैं उसी समय में ये गोपियों की ये गाली है, कृष्ण को गाली गलौज करते करते, लेकिन गाली ऊपर से तो लगता है गाली लेकिन अंदर में बड़ी प्रेम की भावना है। इसलिए जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है भाई, ये जगन्नाथ जी की जो ये स्वरूप है इसके तीन कारण बताए, इसमें कुछ साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है। कहते इसमें साधारण कारण क्या है, आप लोग सब कथा सुने, इसके साधारण कारण है जिस समय श्री नील माधव जी को राजा दर्शन करने गए, लेकिन इतने में नील माधव कहीं अंतर्ध्यान हो गए, बोले महाराज आपको इसी रूप में और दर्शन नहीं मिलेगा, मैं स्वयं दारु ब्रह्म रूप में, मैं बांके बुहानी, बांके बुहानी मतलब यहीं पर है, यहीं पर ही, इसलिए ये चक्र तीर्थ और ये भी बांके मुहानी है, यहीं पर सबसे पहले श्री जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म रूप में यहीं पर आए, राजा उनको सोने की रथ बना करके उनको कैसे ले गए, कैसे किसी तरह से जब ठाकुर जी नहीं बने, स्वयं श्री बलदेव प्रभु स्वयं विश्वकर्मा कहते
इनके अनंत महाराणा, उड़िया में कहते अनंत, अनंत कौन है? भगवान को कौन धारण कर सकता है, कौन बना सकता है? अनंत देव ही धारण कर सकते हैं। वो एक महाराणा मतलब जो कारपेंटर होते हैं, उसी रूप में आए, बोले देखो मैं 21 दिन में ये विग्रह को बना दूंगा, लेकिन उसको पहले खोलना नहीं, दरवाजा बंद करके रखना, लेकिन 14 दिन तक तो आवाज थोड़ी थोड़ी आई बनाने का, लेकिन उसको बाद में आवाज होता। रानी तो बड़ी चिंता में पड़ी गई, महाराज को बोले लगता है कैसे तो दुबले पतले थे हैं, अब बूढ़े थे, हो ना हो अंदर में तो शरीर नहीं त्याग दे दिया, अगर त्याग दे दिया ना वो तो ब्राह्मण थे, हो ना हो हमें ब्रह्म हत्या की पाप नहीं लग जाए, इसलिए दरवाजा खोलो। आपको पता है स्त्री हट क्या होता है, संसार कर रहे हैं ना, पत्नी अगर पति को पीछे पड़ गई, हमें ये चीज देना है, जब तक नहीं देगी ना मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, रोटी फेंक करके देगी, इसलिए अभी बोले खोलो इसको, अभी इसको खोलो। अभी राजा जब खोले है ना, ठाकुर जी ऐसे ही हाथ है, हाँ उनके प्यार नहीं, और बड़ा उनकी अद्भुत रूप उनको मिला। राजा ने सोचा मेरा गड़बड़ी हो गया, बोले थे 21 दिन पहले उसको खोलना नहीं, हमने अपराध किए। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ करके लेट गए चरण में। जगन्नाथ जी बोले देखो मेरे ये रूप नित्य रूप है, इसी रूप में ही मेरे को प्रकट होने का था, लेकिन तुम लोगों ने कुछ इसमें निमित्त बना, लेकिन यही मेरी नित्य रूप है। अगर मेरे रूप दर्शन करने का इच्छा है ना, तुम लोग सोने में बना। इसलिए राजा सोने में, जब कृष्ण का जन्म उत्सव हो, कृष्ण को कृष्ण रूप में सजाया जाता है, हैं? और इसी बलदेव प्रभु को बलदेव रूप में, हाथ में बंसुरी सर पर गौर मुकुट कृष्ण को देते हैं, और जो राम का जन्म उत्सव होता है, सारे सोने में, सुभद्रा को जाने के रूप में, बलदेव प्रभु का लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण को श्री राम रूप में, बड़े बड़े धनुष उनको सजाया जाता है। जब वामन अवतार नरसिंह अवतार आए, सब सोने में बना हुआ, सारे जगन्नाथ जी को ये सब ड्रेस में जगन्नाथ जी को श्रृंगार की जाती है। कहते ये एक साधारण कारण है जगन्नाथ जी क्यों प्रकट हुए। दूसरा जो कारण है, गुरुदेव ने रथ यात्रा में उन्होंने जो गुरुदेव ने जो बताए कैसे द्वारका में कृष्ण रहते थे 16108 बटरानियों को साथ में, लेकिन सोते थे तो रानियों को साथ में, लेकिन रोते थे ब्रजवासियों के, रात भर इतने रोते थे, हे राधिके, हे ललिते, हे विशाखे तुम कहाँ हो, इतने रोते थे, रो रो कर आंखों का आंसुओं से तकिया तकिया गिला कर देते थे ठाकुर जी। बोले भैया हम लोग एक से एक सुंदरी और एक से एक राज घराड़ी की हम लोग ने, सारे विद्याओं में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन पता नहीं ये बुआ लेवियों ने क्या जादू टोना कृष्ण को ऊपर चलाया, सोते हैं हमारा पास में और रोते हैं ब्रजवासियों के लिए। बोले ब्रज में क्या लीला करते थे? बोले ये लीला को कौन देखा है? बोले श्री रोहिणी देखी है, वही रोहिणी माता ही वहां पर थी। एक दिन रोहिणी को बोले हम कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण क्यों इतना रोते हैं, ब्रज की क्या महत्व है? बोले देखो अगर कृष्ण ये कथा सुनेंगे तो फिर रहेंगे नहीं, मंदिर छोड़कर चले जाएंगे तुमको। बोले फिर क्या करे? बोले अंदर महल में हम बैठ कर कथा सुनते हैं, सुभद्रा जी को वहीं पर चौकीदार रूप में रख लेते हैं, अगर कृष्ण बलराम आए ना उनको घुसने मत दिया करना। जब वहां पर उन्होंने कृष्ण कथा के सुर की, ब्रज की अद्भुत अद्भुत लीला की उन्होंने बात बताए, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारी थी, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके कैसे सुंदर रास लीला है, कृष्ण कैसे भगवान हो करके भक्तों के प्रेम में बसीभूत कैसे हो जाते हैं, मक्खन कैसे चोरी करते हैं, मैया अगर मुझे लाला तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते हैं, मैया मेरे को मारे ने, क्या बोलती हैं? बोले मैया मेरे मैंने ही मक्खन खायो, हो रभयो गई अन को पाचे, माधुबन मो ए पठायो, सुन मैया मोजी मैंने ही मक्खन। इसलिए भगवान कैसे डर से, मैया से कैसे डरते हुए झूठ बोल देते हैं, कैसे उखल में बंध जाते हैं, लेकिन कृष्णा जब बंसी ध्वनि करते हैं,
बोले त्रिजगत मानस आकर श्री मुरली तलक हो जीत। जिस बंसी ध्वनि सुन करके सारे मृषा जहाँ पर जमुना उल्टी बने लग जाती है, आकाश से मेघ आकर छा जाती है, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है, कई आप घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता है, इसलिए बंसी ध्वनि सुन करके सारा दुनिया उथल पुथल हो जाते हैं। जब उन्होंने सुंदर सुंदर कृष्ण की प्रेम माधुर्य रूप माधुर्य और उनके लीला माधुर्य की कथा सुनाए ना, अभी कृष्ण तो समझ गए भैया तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुना रहे हैं और हमारी ब्रज की सुंदर कथा सुना रहे हैं, अभी कृष्ण बहाना बताएं। कृष्ण देखो, यद्यपि कृष्ण कथा सबको अच्छी लगती है, आपको पता है सबसे सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगती है कृष्ण कथा? बोलो कौन बोलेगा? हाथ उठा, हाथ क्यों उठा लिया? कृष्ण कथा सबसे ज्यादा प्यारी किसको लगती है, अच्छी किसको लगती है? कृष्ण। किसको? जोर से बोलो। राधा, राधा जी बोले राधा जी को। हाँ ये भी सही है, राधा जी का भी है, कृष्ण जी का भी है। इसलिए कहते कृष्ण कथा इतना मीठा है ना, कृष्ण कथा इतने मीठा, इतने मधुर कृष्ण कथा। हाँ कृष्ण कथा इतने मीठा, इतने मधुर कृष्ण कथा है। चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों आए? इसलिए आए, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है जो माधुर्य को ये भक्त लोग आस्वादन करते हैं। पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। अरे जोर से बोलो, कुछ कुछ भक्त सो रहे हैं, लगता है जल्दी जल्दी उठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जय जगन्नाथ देव की। इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण को जितना अच्छी लगती है ना, दुनिया में और किसी को इतना अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो महाप्रभु रूप में आए, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करती है, इसलिए श्री महाप्रभु रूप में आए। अभी कृष्ण अपना कथा सुनने के लिए कृष्ण दाऊ भैया को बोले, दाऊ भैया अभी अभी मैं आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठे रहो। और आए और अंदर में जाना चाह रहे हैं। सुभद्रा बोली नहीं, मैया ने मना की अंदर में जाने के लिए। इतने में सुभद्रा ने बाम हाथों से उन्होंने बलदेव प्रभु को रोक, कृष्ण को रोक दिए। और कृष्ण ने किया क्या, वहीं पर अपना काम लगा दिया। और कृष्ण कृष्ण कथा सुनते 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 स्वयं अपना प्रेम में द्रवीभूत हो गए। अभी बलदेव प्रभु ने देखा कन्हैया तक गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी बलदेव प्रभु भी आए और आ करके वो भी अंदर में कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन श्री सुभद्रा देवी उनको सीधा हाथ से बोले, भैया मैया ने मना की, अंदर में नहीं जा सकते हो, यहीं पर रुको। वो भी वहीं पर कान लगा दिए कथा सुनने के लिए। कथा सुनते 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 वो भी द्रवीभूत हो गए। और बीच में सुभद्रा थी, दोनों भैया की अवस्था देख करके और स्वयं भी कृष्ण कथा सुनते 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 वो भी द्रवीभूत होकर के श्री सुभद्रा देवी रूप में प्रकट हो गई। उनकी जो सुदर्शन चक्र था वो भी द्रवीभूत होकर के वो भी एक लकड़ी जैसे बन गया। अद्भुत ये रूप है। इतने में श्री नारद जी बस बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि नारद जी प्रकट हुए। अभी कीर्तन सुनते 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 भगवान पुनः अपना पूर्व स्थिति में आए।
आज कृष्ण इतने प्रसन्न है। बोले बड़े दिनों में हमने ब्रजवासियों की कथा और हमने ब्रज की कथा सुनी, आज इतने प्रसन्न हुए। बोले नारद जी जो कुछ बर मांगना मांगो, जो मांगोगे ना हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। बोले प्रभु अगर बर देना चाहते हो, हमने तो अब की बहुत लीला देखी है, हरी अनंत हरी कथा अनंत, हमने अनंत कथा अनंत लीला सुनी, लेकिन आपका आज जो ये रूप है, ये रूप हमने कभी नहीं देखा। ये रूप तो आपका साक्षात प्रेम स्वरूप का आपका रूप है, हैं? प्रेम अपना प्रेम में स्वयं आप द्रवीभूत हुए हो, ये प्रेम ये रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप इसी रूप में से जगन्नाथपुरी में आपकी पूजा हो, प्रसाद पाए, आपकी सेवा हो। अगर इसी रूप के एक बार कोई आकर के दर्शन करे और आपका प्रसाद को ग्रहण करे, जैसे पुनः ये संसार में वो जीव पुनः नहीं आए, आपकी धाम को प्राप्त करे, अब हमें ये वरदान दो। भगवान खुश थे, बोले तथास्तु ऐसे ही होगा। इसलिए जो एक बार जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, हैं, इनकी प्रसाद पाते हैं, कल प्रसाद पाए थे कि नहीं जगन्नाथ जी, कौन कौन पाए हो? हाँ, इसलिए बड़े भाग्य से जगन्नाथ जी प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। कल हम लोग जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए गए थे, वहाँ बैठे हुए महापुरुष यहाँ पर चरण चिन्ह है, एक व्यक्ति इतना बड़ा मजरा ला धाम धाम बजा रहा था, ऐसे ऐसे जानते हो क्यों बजा रहे थे, कारण क्या? बोले कारण है जितने 33 करोड़ जितने देवता सब भगवान की प्रसाद के लोभ से सबके सब आकर के बैठे हुए, जब जगन्नाथ जी भोग लग जाता है वो लेकर के जोर जोर करके चारी तरफ में बजा बजा करके, बोले भैया ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, सबके सब आ जाओ प्रसाद मिलेगा। इसलिए नारद जी को एक किनका मिला, नारद जी पागल हो गए, शंकर जी को मिला वो भी पागल हो गए, लेकिन माँ देवी को मिली नहीं तो देवी ने केवल जगन्नाथ जी प्रसाद के लोग से उसने कैलाश को त्याग दे दिया और कहाँ पर आ गई, जगन्नाथ पुरी में आ गई और बैठ करके प्रसाद के लोग से बैठ गए। इतने प्रसाद के लोग है, कहते ये दूसरा कारण जगन्नाथ जी क्यों प्रकट हुए। इसका जो तीसरा कारण है ना, गुरुदेव बड़े भावुक बन गए जब उन्होंने ये कथा को सुनी। हाँ, ये कथा को जो तीसरी कारण की जो कथा थी उसमें ये कथा थी, एक समय कृष्ण ब्रज की कथा सुनते 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 ब्रज की गोपियों की राधा जी की भक्तों की लीलाओं का स्मरण करते करते एक बार कृष्ण स्वयं बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए इतने में से नारद जी आए। अब लोग कोई कथा सुन रहे कि नहीं, ये कथा को बाद में मैं पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया, जो नहीं बोल पाएगा ना फिर उनको खड़े कर दूंगा बीच में, ठीक है? इसलिए सबके लिए प्रसाद देना पड़ेगा। हाँ, सभी के लिए माधव महाराज जी बोल रहे हैं, जो बोल नहीं पाएगा ना उसको दंड मिलेगा, जैसे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे थे, जो सही साफ नहीं कर रहा था बोले दंड मिलेगा। बोले क्या दंड? बोले सब भक्तों को प्रसाद मिलेगा। भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है। दंड मतलब ठाकुर जी की प्रसाद है। इसलिए ठीक है, ध्यान करते हुए सुनो और ये कथा सुनकर घर में भी सुनाना, और जब अगली बार आओ ना, गुरु जी बोलते थे कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के आओ, गुरु जी की ये स्वयं बोली हुई है, लेकिन 10-10 भक्तों को लाओगे कब? जब कथा सुनाओगे ना। अगली बार कौन 10-10 भक्तों को लेकर के आएगा? हाथ उठाओ तो देखो, कोई डर से हाथ नहीं उठा रहे, मतलब कोई कथा ही नहीं सुन रहे। 10 भक्त तभी लाओगे जब कथा सुनाओगे ना। हाँ, मतलब अभी से जाकर के 10 भक्तों को तैयारी करना है, अगली बार रथ यात्रा में आपको जाना, कौन कौन लाए हाथ उठाओ, अरे इच्छा करोगे तुम तो सुनाओगे ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहते कृष्ण बेहोश हो गए, जब कृष्ण बेहोश हो गए नारद जी आए, नारद जी को बोले नारद जी आप थोड़ी सी ब्रज की कीर्तन सुना, भगवान की होश आएगा। बोले देखो बड़ा अनर्थ हो जाएगा फिर। बोले क्या? बोले कृष्णा भी ब्रज की चिंतन करते करते, ब्रज वासियों के चिंतन करते करते बेहोश हो गए। अगर कृष्ण की होश आएगी तो कृष्ण रहने वाले नहीं, कृष्ण फिर आपको द्वारका छोड़ करके ब्रज में चले जाएंगे, ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध प्रेम। बोले भैया क्या किया जाए? बोले एक काम किया जाए, श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजो, भेज करके वहाँ पर बोले कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण को लेकर के जाएंगे और कुछ दिन घुमा फिरा करके ना फिर उनको द्वारका ले आएंगे। बोले उद्धव जी एक काम करो, जाओ
ब्रज में जा करके बोलो कृष्ण आने वाले। बोले भैया मैं एकदम नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण मेरे को एक बार दूत रूप में भेजे थे और मैंने ब्रजवासियों को कृष्ण विरह में उनकी क्या दशा मैंने स्वयं देखा आंखों से। कृष्ण जब से आए तब से बछड़े दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, कोयल कुहूकती नहीं और मयूर केका नहीं करते, मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई, गोपियां तब से कपड़ा नहीं बदली वहीं पर पड़ी हुई, राधा रानी तो कमल फूल गोबर में लेट हुई, उनको शरीर में कर्पूर अगुर चंदन की लेप देते हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण विरह में श्री राधा रानी पड़ी हुई, एक मिनट में उनके जो अगुर चंदन कर्पूर सब के सब चुर चुर हो जा रहा है। हमने इन्हीं दशाओं को देखा अपना आंखों से और मैंने बोल करके आया कृष्ण को मैं जरूर ले करके आऊंगा। लेकिन ये कृष्ण को जब मैं बोलता हूँ ना, पता नहीं थोड़ी समय के लिए तो आंसू बहाता है लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं तो थक गया, अगर फिर दो बार जाऊंगा ना, बोलेगा वही झूठा फिर आ गया, पहले तो बोल कर गया था लेकर के आएगा, अभी तक तो लाए नहीं पाया, फिर दो बार ये झूठा है। बोले एक काम करो ताऊ भैया को भेजो। ताऊ भैया बोले भैया मैं भी एकदम नहीं जाऊंगा। बोले मेरे भी यही स्थिति है, मैं भी ब्रज में गया था और उनकी सबको मैंने कोशिश की सांत्वना देने के लिए, थोड़ी बहुत तो दिया, अपना गोपियों के साथ में मैंने रास भी रचाया, लेकिन जो कृष्ण की जो गोपियां हैं उनको मैं किसी तरह से सांत्वना नहीं दे पाया, वो कृष्ण ही उनको सांत्वना कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर दो बार जाऊंगा ना, मैं भी बोल गया लाया उसको लाऊंगा, लेकिन फिर बोलेंगे तो बोलेंगे वही झूठा फिर आऊंगा, फिर झूठ बोलने के लिए अभी कोई भी जाने के लिए तैयारी नहीं। इतने में सुभद्रा देवी जो इनकी बहन थी वो जाने के लिए तैयार थी। तो देखो मैं स्त्री है ना, स्त्रियाँ क्या करती हैं, आप स्त्रियों के अंदर में आसानी से घुस जाती हैं, उनको साथ में बात कर लेती हैं, इसलिए मैं स्त्री हूँ इसलिए आसानी से उनके अंदर में प्रवेश कर जाऊँगा, जा करके मैं बहन हूँ ना सबके हैं सांत्वना दे करके मैं बताऊँगी जय कृष्ण जल्दी जल्दी आने वाले हैं, पर मेरे बात को सबके सब विश्वास करके इसलिए मैं चलूँगी। ताऊ भैया बोले भैया हम अकेले बहन को कैसे भेज दें, पहले तो ऐसे कोई था नहीं, पहले माताओं को कोई भी अकेले कोई नहीं भेजती थी, बेटी जाए तो पिताजी को साथ में, पत्नी जाए तो अकेली पत्नी नहीं पति को साथ में, पहले अकेले किसको कोई थे किसको नहीं भेजती थी, सब के साथ उनको साथ में परिवार के कोई व्यक्ति उनको साथ में जाते थे। बोले अकेले बहन को हम कैसे भेजते। ताऊ भैया बोले एक काम करो, मैं चलती हूँ बहन को साथ में, बहन को अकेले कैसे भेज दे। बोले एक काम करो तीन रथ बनाओ। कितना रथ बनाए? तीन। जोर से बोलो, सब सो रहे ना? तीन। तीन रथ बनाए बलदेव प्रभु का, सुभद्रा देवी की और श्री कृष्ण के लिए तीन रथ बनाए। बोले हम तीनों एक साथ में चलेंगे और फिर हमको समझा करके ना वापस जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अभी उन्होंने तीन रथ बनाए, कल देखा था तीन रथ की नहीं, किसने किसने देखा? हाँ, वहां पर तीन रथ बनाई गई। अभी श्री नारद जी यहाँ पर बड़े सुंदर उन्होंने भगवान की ब्रज की उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने भजन गाए। क्या भजन गाए? बोले जय राधा माधव जया कुंज बिहारी, जय राधा माधव जया कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन राजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन
Ranjana, Jaya Braja Jaya, Jaya Jamana Kiravana, Dari Jaya Surya Vihari, Jaya Jamana Kiravana, Dari Jaya Surya Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Surya Vihari. अभी ये ब्रज की कीर्तन सुनते सुनते अभी धीरे 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 जगन्नाथ जी का होश आया, और जगन्नाथ जी की होश आते ही जगन्नाथ जी वृंदावन की तरफ में दौड़ पड़ी। जब दौड़ पड़े इतने में बलदेव प्रभु सुभद्रा वसुदेव महाराज बोले, बोले कन्हैया हमें ये पता था तो वृंदावन के लिए दौड़ पड़े, अभी चिंता मत कर, तू अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ में हम भाई बहन ही जाएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए अभी जगन्नाथ जी अभी धीरे धीरे मंदिर से अभी निकल रहे, रथ के लिए निकल रहे। आप कभी देखे हो जगन्नाथ जी कैसे चलते हैं? आप देखना कैसे, कभी ऐसे, जैसे एक व्यक्ति शराब पीने पर देखना, जैसे शराब ही चलता है ना, लुढ़कते लुढ़कते, उसी तरह जगन्नाथ जी ऐसे चलते। बोले क्यों? कारण है वो शराब तो पिए हैं, संसार का रात को शराब पियो ना सवेरे उसका नशा उतर जाती है, लेकिन भक्ति रूपी शराब जो पिए इसका नशा कभी उतरती नहीं, वो इसकी नशा धीरे 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 नशा की बढ़ती जाती है। और ब्रजवासियों को प्रेम में कृष्ण स्वयं झूमते 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 अगर देखोगे ना, अगर टीवी अगर होगा तो देख लेना, इसमें कैसे जगन्नाथ जी एक जगह पर खड़े हुए ऐसे हो रहा है, ऐसे वहां से खिसक नहीं पा रहे, क्योंकि अपना इच्छा से चलते हैं ठाकुर जी, उनको कोई नहीं ले सकते हैं। इसलिए झूलते झूमते 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 जगन्नाथ जी रथ ऊपर बैठते हैं, जा करके पहले सुदर्शन, क्योंकि उसका नाम है सुदर्शन, उत्तम दर्शन है, इसलिए पहले वो चलते हैं। उसके बाद में श्री बलदेव प्रभु बड़े भैया, फिर बीच में सुभद्रा, बाद में श्री जगन्नाथ जी चलते हैं। अभी चलते चलते जब आ रहे थे ना, उधर ब्रज में किया हुआ श्री राधा रानी कृष्ण विरह में व्याकुल हो रही है। बोले कृष्ण बोल कर गए थे मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों मैं चलाऊंगा, लेकिन परसों बोल करके परसों बीत गया, अभी तक भी कृष्ण का कोई पता ही नहीं, ला पता नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है ललिता हे विशाखे, मैं आज ही ये प्राण को त्याग दे रही, लेकिन एक काम करियो, मैं चाहता हूँ मरने का बाद में भी मेरे शरीर कम से कम कृष्ण सेवा में लग जाए, मेरे शरीर में जो मिट्टी है ना, कृष्ण जहाँ पर लीला करते हैं वहीं पर छोड़ देना, कृष्ण लीला करते समय उनके चरण स्पर्श प्राप्त करूंगी, मेरे शरीर में जो हवा है जहाँ पर कृष्ण विहार करते हैं वहीं पर छोड़ देंगे, तो जैसे पंखा झुलाते हैं ना, ऐसे कृष्ण के शरीर में पंखा झुला रूप में उनको सेवा करूंगी, जहाँ पर कृष्ण जल विहार करते हैं शरीर में जो पानी है वो पानी को उसी तालाब में छोड़ देना, कृष्ण जब उसमें जल विहार करेंगे कृष्ण के शरीर को मैं स्पर्श करूंगी, मेरे शरीर में जो अग्नि है सूर्य का किरण में मिला देना, कम से कम कृष्ण को शरीर में ताप दूंगी। इसलिए मेरे जो शरीर पांच हिस्से बनी हुई, मैं चाहते अंतिम को शरीर छोड़ने का बाद में भी ये पंच रूप में मैं कृष्ण को जैसे मैं सेवा में लग गया, इसलिए मैं प्राण त्याग कर दी। राधा रानी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, इतने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर पहुंच गई। जब वहां पर पहुंचे इतने में ललिता विशाखा बोली, हे राधे तू शरीर छोड़ मत, श्याम सुंदर आ गए। बोले श्याम सुंदर आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कहाँ है? इतने में श्याम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंचे, और कृष्ण जब राधा रानी की ये दिव्य उन्माद चित्र जल्प संजल्प अभिजल्प विजल्प उसको जो दस दशा बताए, राधा रानी के शरीर में ये सारे दिव्य सबके सब चिन्ह दिख रहा था। अभी राधा रानी की ये विरह को देख करके ना कृष्ण स्वयं राधा जी के दर्शन करते 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 कृष्ण स्वयं ये जगन्नाथ जी, ये जो जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े हाथ हाथ प्यारे, बलदेव प्रभु भी दर्शन करते करते वो भी ऐसे हो गए, और सुभद्रा देवी भी ऐसे, सबके सब ऐसे रूप बन गए।
हाँ, सारे को सारे इसे विचित्र रूप धारण किए। जब विचित्र रूप धारण किए, इतने में राधा रानी सखियों से कह रही हैं, बोले सखियां पहले कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो, उसको बाद में मेरे को देखना। क्यों? कृष्ण मेरे विरह में देखो क्या अद्भुत रूप कृष्ण ने धारण किया है। वहां पर भी श्री नारद जी आते हैं, वीणा बजाते हैं, फिर उनके पूर्व होश आता है, उसको बाद में फिर यही बरमाते हैं, आप श्री जगन्नाथपुरी में इसी स्वरूप को लेकर के आपके दर्शन मिले, पूजा मिले आपको। इसलिए जो दर्शन करेगा, जैसे जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के आपके चरण की सेवा और आपकी भक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए ये जो जगन्नाथ जी की जो रूप है, ये अद्भुत रूप है। इसलिए आज हम लोग सबके सब श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में देखो, आज फिर हम लोग 1 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे, 1 बजे ना यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए कोई देर नहीं करना, कोशिश करेंगे जैसे 12 बजे प्रसाद शुरू हो जाए, और प्रसाद 12 बजे शुरू हो जाए, उसके बाद में फिर आप लोग सब तैयार रहना, प्रसाद पा करके 1 बजे निकल जाएंगे। हम लोग कीर्तन करते करते वहां पर जाएंगे। और जगन्नाथ जी, और एक बात सुनो, रथ को जितने माताएं, कोशिश नहीं करना जगन्नाथ जी के रथ की जो रस्सी है उसको स्पर्श करने के लिए, क्योंकि इतना भीड़ है। हम जैसे व्यक्ति खींचने का बात तो दूर रह जाए, हम छू भी नहीं सकते रस्सी को, इतने वहाँ पर भीड़ इतना होती है। और बच्चे सब बूट बूट पहन कर दिया गया, बच्चे जो रथ खींचते हैं, आप लोग दूर से महाप्रभु का भावना जो थी राधा रानी को, कृष्ण को, जैसे राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके ये ले जा रहे हैं द्वारका से, ये वृंदावन ले जा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इसी भाव से, राधा रानी की भाव से अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके उनको द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं, की रथ की भावना है। आप लोग भी इसी भाव से कीर्तन को साथ में रहना, कीर्तन करते रहना, और इसी भाव से सबके सब वैष्णव को साथ में कीर्तन करते करते जाना, ठीक है। हाँ, और एक आना सुनते हैं, देखो आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले यहाँ पर फैनी आई, फैनी फैनी आई थी, हाँ, जो फन दिखाता है वो फैनी आई थी, और यहाँ पर हमारे जो ऊपर का जो छात उसको उड़ा कर चले गया, बहुत सारे यहाँ पर जो सब शीशा इसको भी तोड़ दिए, बड़ी तसनस करके यहाँ पर गई है। और हमारे जो मंदिर पूरा समुद्र के सामने ये मंदिर बड़ी तसनस करके गई है, हाँ, बड़ी उथल पुथल पुथल मचा करके गई। यहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, हाँ, कुछ भी नहीं थी, लेकिन किसी तरह से इसको, हाँ, उस किसी तरह से उनको थोड़ी बहुत सही किए, जैसे ये परिक्रमा कैसे चल सके, किसी तरह से कोशिश की। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, जितना हो सके आप लोग थोड़ी बहुत सेवा करके जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ सेवा करके जाना। अगर आपके पास अभी भी पैसा अगर नहीं है, यहाँ की जो नंबर है, बस बोलो अकाउंट का जो नंबर है, अगर आप ले जाओगे, अगर आप कुछ भेजोगे तो कोशिश करेंगे, जैसे हाँ पुनः ये मंदिर, जैसे मंदिर बन जाए, गुरुदेव यहीं पर शरीर, यहीं पर अंतिम लीला उन्होंने प्रकाश किया था, इसलिए आप लोग जितना दूर हो सके आप लोग कोशिश करना सेवा करने के लिए, ठीक है। अभी श्री माधव महाराज जी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे, श्री हमारे श्री भक्ति वेदांत लीला माधव महाराज जी। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री ताऊ भैया की जय, बोले श्री सुभद्रा देवी की जय, बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय, सिताई गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्ण। आप लोगों ने इष्ट धर्म से सुना, पता है, हन्न कोली तेरी तमाशा दुख लगे और हंसी, देखो तो खुद सब बोल करके मेरे लिए बोला माधव अच्छा सुनाएंगे, सब तो सुना दिया, मेरे को छोड़ा ही नहीं, मैस्टर दो बोलेंगे गुरु जी की किताब से, आखिर वाला मैं बोलूँगा अभी पूरा कर लिया, फिर महाराज यहाँ जहाँ को छोड़ दिया उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ। हरियाणा का हरी कथा, और महाराज जी गुरु जी को साथ में रहे, और जितना सारे रस इनके हृदय में, महाराज नया रस बनाए, इनका नाम है माधव, मां मतलब लक्ष्मी, धव मतलब आश्रय, मां मतलब मूल लक्ष्मी कौन, राधा रानी। अभी राधा रानी का हृदय क्या है बताओ, कितना पूरा कृष्ण प्रेम में
लौट लौटे कृष्ण से बड़ा बड़ा अभी आपको पूरा राधा रानी राधा शब्द को बदलाव तो क्या होगा बोलो राधा शब्द को उल्टा तो क्या होगा हाँ ये कृष्ण भक्ति की धारा है अभी महाराज जी कृष्ण भक्ति की धारा आपको बढ़ाएंगे लेकिन सावधान रहना देखो जब महाराज जी बोलने लगे मैं कुछ तो बोला नहीं देखो मैं शुरू किया मैं माइक खींच रहे देखो तो महाराज जी बता रहे थे कि एक है पत्नी हट ये पत्नी हट कहो और प्रेयसी हट कहो तो इसमें जैसे हम लोग इस संप्रदाय में हमारा संप्रदाय का नाम क्या है ब्रह्म मात्र गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं आंखें कितने हैं आठ आठ आंखों से आठ दिशाओं को देखते हैं हम उसी संप्रदाय में आने के नाते दो आंख में आठ आंख की शक्ति है जो महाराज जी बता रहे थे एक भक्त मुख बंद करके हंस रहे थे सच में प्रेयसी हट याद आ गया होगा मैं नाम तो नहीं बताऊंगा चारों तरफ सभी हंस रहे थे सभी हंस रहे थे महाराज जी बोल अब आते हैं एक है बाल हट एक राज हट एक प्रेयसी हट एक भक्तों का हट है तो मैं जोगी हट तो मैं भक्तों का हट सुनाता हूँ आप लोग नारद ऋषि को जानते हैं नारद ऋषि का बहुत कथा सुनाया नारद ऋषि का चरित्र क्या है बोलते हैं नाम तिया मर नारद ऋषि बाधाई सुधि झगड़ा ताते अमर आनंद जी मजा देखो तुमरा 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 तो ऋषि वर आपका नाम क्या है बोले मेरा नाम नारद ऋषि है आप करते क्या है मैं दूसरे से लड़ाई कराता हूँ किससे बाप बेटा से बाप बेटी से माँ बेटा से माँ बेटी से राजा राजा से मित्र मित्र विशेष करके प्रियतम प्रियतमा में या पति पत्नी लड़ाई करें मुझे बहुत आनंद आता है तो मैं क्या करूं तुम भी हमारे साथ आ जाओ तुम सर मजा देख लेना और नारद जी क्या मजा दिखाया थोड़ा सुनाता हूँ ये यदि किसी का वीक पॉइंट जानते हैं आप अच्छी तरह से उनको दबा सकते हैं बच्चे लोग जानते हैं और माँ बाप का वीक पॉइंट क्या है मुझे प्यार करते हैं तो बच्चे क्या बालहट करते हैं गुरु जी को उदाहरण देते थे एक छोटा बच्चा है इसका आइसक्रीम ठंडा चीज खा पी करके दांत खराब हो गया डॉक्टर देखकर ठंडा चीज आइसक्रीम नहीं देना है आइसक्रीम वाला आ गया घंटा बजा रहा है बोलते मम्मी मैं आइसक्रीम चाहिए पापा आइसक्रीम चाहिए बोले नहीं बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है और दूसरे चीज दे रहा फेंक रहा है मम्मी आइसक्रीम पापा आइसक्रीम मम्मी आइसक्रीम तो क्या किया मम्मी ने पापा की जेब से पैसा निकाला ले जा तू अकाल में बुढ़ा हो जा जाके पैसा दे के आइसक्रीम खा माँ बाप को दिखा दिखा के खा रहा है वो जानते हैं कि माँ बाप मुझे प्यार करते हैं ये उनका दोस्त में सबसे बड़ा गुण है ऐसे ही भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है भक्त वत्सल नारद ऋषि बहुत बड़े भक्त हैं नारद ऋषि का अभिशाप था वो जगत में एक गौ को दहन करने जितने समय उतने देर तक फेंक सकते हैं क्यों दक्ष प्रजापति के एक बार 10,000 और एक बार 1,000 11,000 पुत्रों को भक्त बना दिया था इसलिए दक्ष अभिशाप दिया कहीं भी तुम एक जगह ठहर नहीं सकते हो किसके ऐसे भक्त बना नहीं सकते बहुत अच्छा बोले एक जगह बंधा हुआ था अब पूरा जगत में घूम घूम करके प्रभु का बात प्रचार करूंगा और अधिक भक्त बनाऊंगा बीच बीच में चले जाते द्वारका में क्यों हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अधिकांश समय श्लोक उच्चारण करते थे गोविंद अवासित नारद अभिष्णम कृष्ण दर्शन लाल ये द्वारका धाम ये कृष्ण के भुजाओं के द्वारा परिरक्षित होने के कारण ये दक्ष प्रजापति का अभिशाप उधर प्रवेश नहीं कर सकता था इसलिए जाके उधर रहते थे एक दिन हुआ क्या कृष्ण सदगत से
एक पारिजात फूल लाए और नारियत मदद का एनर्जेटिक का प्रॉब्लम मेकर पर्सन जो समस्या सृष्टि करने वाले हैं। किस्मत सुधर्मा सभा में बैठे थे, बाई में बाम भाग में थी रुक्मिणी और सब रानियां बैठी थी। अगर कृष्ण का हाथ में दे दिया, सोचे क्या बात है, ये खुरा पति ये क्यों फूल ले आए। अरे प्रभु, ये फूल का नाम पारिजात है, जगत की और भी किसी का कोई फूल का नाम हो बहुत अच्छा अच्छा नाम है, लेकिन ये नाम किसी का नहीं है। इतने सुंदर नाम तो नाम ही नहीं है, इसका गुण भी बहुत है। इसको समझिए कुछ खुरापत करके छोड़ेगा। तो प्रभु, इसका जो सुगंध कभी घटेगा नहीं, ये कभी सूखेगा मुरझाएगा नहीं। प्रभु तो आप तो सबसे प्यारी है ना, उसको दे दीजिए। अब बनारस किस तरह से खुला आया क्यों सुना? प्रभु मेरा और काम है, थोड़ा जाना है, छू दीजिए ना मेरा सामने। कृष्ण मन में चिंता कर रहे हैं। कृष्ण का एक स्वभाव है, जब ब्रज में थे सब गोपियों से अलग अलग रूप में कहते थे, देखो मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। सबके सामने नहीं, मतलब भोली गोपी राधे राधे, इस राधा जी भोली है, सब गोपी ऐसे भोली सम्मान लेते। कृष्ण पल कब खुला, जब रास नृत्य में सबके साथ नृत्य किया, राधा जी समझ गई रास सबके चली गई। ऐसे बहुत से द्वारका में आए, स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, वही सब रानियों से ऐसे कहते थे। अब तब मैं इसको फूल दूँ तो मेरा फूल खुल जाएगा। तब क्या किया, प्रभु दे दीजिए ना, मुझे और काम में जाना है। तब कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी के हाथ में थमा दिया, जय थमाया और सत्यभामा का रूप क्या आग बबूला हो गया, पटकते पटकते चली गई। और कृष्ण क्या करूं, उनको जैसे मनाया फिर पारिजात फूल ले आया। मैं इसे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं भक्त का हाथ दिखा रहा हूँ। अब नारद जी ऐसे ही द्वारका में ये तो हो गया। बता प्रभु, आप लक्ष्मी के विग्रह क्यों बन गए? जितने भी जगत में विग्रह हैं, विग्रह कुल आठ प्रकार के हैं। शैली दारुमयी लौही लेखा दशही गति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा सविधा स्मिता। शैली पत्थर के बने हुए हैं, दारुमयी लकड़ी के, शैली दारुमयी लौही में धातु से, और शैली दारुमयी लेखा जो पेंटिंग है लेप्पा मिट्टी में प्रलेप करके, और बालू से, और मनोमयी मणिमयी मन से, और अष्ट धातु या सोने से। ये आठ प्रकार के विग्रह हैं। जब ही जगन्नाथ देव रथ में जाते हैं, कैसे दारुमय विग्रह, प्रभु आप दारुमय क्यों बन गए, क्या हुआ, किसकी चिंता कर रही है, आफत क्यों आया। अब नारद जानते हैं, मैं जो कहूंगा भगवान मेरा बात मानेंगे। नारद कोई नहीं, तो अपने काम कर चुप हो गए। अब प्रभु बताइए ना क्या हुआ। नारद अपने चरखे में तुल दो, मैं विस्तार मत करो। थोड़ी देर में प्रभु बता दीजिए ना क्या हुआ। नारद क्लीन योर ओन बैक हियर, डोंट डिस्टर्ब मी। बोला अपने आंगन पीछे के आंगन साफ करो, मुझे डिस्टर्ब मत। थोड़ी देर प्रभु क्या हो गया। नारद डोंट स्टिक योर नोज इन माय डोमेस्टिक प्रॉब्लम, मेरे घर गृहस्थी की समस्या में नाक मत गलाओ। डोमेस्टिक प्रॉब्लम का अर्थ है पति पत्नी में बचसा होना, और बच्चों से जो होता है घर में। मैं बता रहे थे ना, हाँ हाँ कितने सुंदर तुम साड़ी ला दिया, मैं प्रतिदिन नई नई पहन रही हूँ, ये ताना मार रहे हैं ना, फिर लड़ाई हो जाती है कभी, ये है डोमेस्टिक प्रॉब्लम। इसमें बोलना नहीं चाहते ना, भी छोड़ना नहीं चाहते, नाशड़ बंद हो गया। तब कृष्ण कहा, एक प्रकृति मुखरा दिव्या चंचला पुत्र नेक भुवन विजयी मन मथुर दुर्निवार स्वयं भौ सज्जा
बहन पर नगारी स्मारण स्मारण सगृह चरितन दारू भूत मुरारी। देखो मेरी एक पत्नी है तो क्या है, प्रकृति मुखरा बहुत उलफकड़ है, एक बोलता हूँ और दस सुना देती है, उसके सामने मैं टिक नहीं पाता। आप लोग जानते हैं घर गृहस्थ से, आप लोग भी अपने पत्नियों को एक नहीं दस में बीस सुना देती है, मुझे अच्छी तरह पता है, सुनाती है ना, वो सब हंस गए और ये लोग भी पता है। और टिकिया चंचला च, कोई बात नहीं, एक स्त्री बोलती है उसे टिक नहीं पाता हूँ, दूसरे से घर बना लूंगा, तो समय साथ रहती नहीं, चंचला है, इधर भाग जाती है। कोई बात नहीं, पत्नियां बात नहीं सुनती है, मेरा एक बेटा है उससे जीवन गुजारा कर लूंगा। लाइक मादार लाइक सन, जैसे माँ है ऐसे बेटा निकला, आखिर माँ के गर्भस्थ जन्म लिया ना, माँ का कुछ गुण तो रहेगा ही। मैया जब बात नहीं सुनती है बेटा क्यों सुनेगा। कोई बात नहीं, मैं थक चुका हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करूँ। भगवान कहाँ पर सोते हैं, समुद्र में। बिस्तरा कहाँ, ये होटल से पहले से बिस्तरा डाल के आते हैं, कौन सा बिस्तरा है, सांप से बना हुआ, सांप से गरुड़ का संबंध क्या है, बैर बैर भाव है। तो बताए सुने जाओ कहाँ, समुद्र में जाओ कैसे, तो पंखा है नहीं, सुचम ये कौन ले जाएगा। एक सुंदर बैल था, किसने ले लिया बैल को, किसने लिया, शिव जी ने। फिर बोला आखिर में कोई नहीं था, एक चिड़िया बच्चा था, बोला अच्छा है चिड़िया में बैठ के उड़ के ले जाएगा, अब जाओ जाके सांप का बिस्तर बना हुआ है, गुड़ का गंध मिलते तो सांप भाग जाएगा, मैं बैठ भी जाऊँ तो तुरंत डूब जाऊंगा। इसलिए घर की रस्ती किया, याद करते करते मैं दादूमय विग्रह बन गया। थोड़ा संक्षेप में एक पॉइंट बता देता हूँ, बता एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, पहला स्त्री बहुत मुखरा है, गुलफकर है, कौन है, सरस्वती देवी। इसका तात्पर्य क्या है, सरस्वती की कृपा जिस पर होती है वो जगत में बहुत विद्वान होता है, इसका कोई हरा नहीं सकते। एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे, उस समय गुरुदेव कहते थे नवद्वीप इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, नवद्वीप से कोई शास्त्र पढ़ करके बाहर आए, भाई नवद्वीप से, नवद्वीप उसके बाद मिथिला, ये दो स्थान था, सबसे बड़ा है नवद्वीप, बहुत बड़े बड़े पंडित धुरंधर महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में पढ़ाना शुरू किया। भगवान है ना, इतने इतने धुरंधर है जो एक बार उनसे सुनेंगे और कहीं जाएगा नहीं, और बड़े बड़े पंडितों का नाक में दम करके रखा था, कुछ तो उत्तर नहीं दे पाते, सब खंडन कर देते, देख के तो छिप जाते। उस समय एक देश का नाम था केशव, ये कश्मीरी देश के होने के नाते, जैसे हमारे मधु है ना, कश्मीरी मधु, ये शब्द नहीं है मधुसूदन, ऐसे उनको लोग बोलते केशव कश्मीरी, कश्मीरी देश के होने के नाते केशव कश्मीरी बोलते थे। बहुत बड़े विद्वान है, वो जिससे शास्त्र हार जाते सब उनको चेला बनना पड़ता था। सुना नवद्वीप में सबसे बड़े बड़े पंडित हैं, आप नवद्वीप आने के लिए तैयार हो गए, ये पूरा दुनिया में छा गया नवद्वीप, दुनिया का नवद्वीप में वो केशव कश्मीरी आ गया। उन शास्त्र का करना तो बहुत टेढ़ी खीर है, और क्या क्या पंडितों ने एक तुरंत एक मीटिंग बना ली, बुला लिया बड़े बड़े पंडितों को, बोले देखो ये काम करना है, अब केशव कश्मीरी आ रहा है, हम क्या करेंगे, पहले निमाई से भगा दूंगा, अरे दोनों हाथ में लड्डू है, और निमाई हार जाएगा, बोले अरे निमाई तुम हमको तंग करते, देखो पार से हरा दिया, हम निमाई को दबा देंगे, कुछ नहीं बोल पाएगा, और बाई चांस निमाई जीत जाएगा तो सोने में सुहागा है, बोले अरे केशव कश्मीरी जाओ जाओ ढंग से निधन नवद्वीप से निकलो, ये तो निमाई तुम्हारा नाती के समान है, उससे तो भाग के हमसे क्या शास्त्र करो, जा जा मुख में दिखाओ जाओ, ऐसे लोग बोले बहुत अच्छा है। महाप्रभु अंतर जानी है ना, मन ही मन हंस गए हैं, ओहो तुम लोग मेरे धाम के आश्रय करके हो, ठीक है तुम्हारा इच्छा ही मैं पूरा करूंगा। शाम के समय था, सूर्य देव दिनमणि अस्तमित है, उनके लाल लाल किरणें
गंगा के पानी में लहर के साथ आखिरिया कर रही थी। इतने सुंदर नजारा निवाई पंडित अपने शिष्यों के साथ छात्रों के साथ बैठ करके साथ रचना कर रहे थे। जब निमाई ने मनी मन सोचा, कोई चिंता नहीं, तुम लोग तो हमारे धाम में हो ना, मैं केशव को यही बुला लूंगा। अब जोगमाया क्या किया, बाकी काम कर देती है। ये जोगमाया क्या करती है, जैसे जब जगत में पहले टेलीविजन आया, पहले उंगली से चैनल बदलो, वॉल्यूम बदलो, ब्राइटनेस, रिमोट कंट्रोल आया, अभी रिमोट कंट्रोल सिस्टम पश्चिमी ब्रेन से नहीं आया, ये इंडियन ब्रेन से आया। पहले रिमोट कंट्रोल होल्डर कौन है, जोगमाया पूर्णमासी जी, वही मुझे देख करके सब सीखा। जोगमाया के दो रूप है, एक मूर्त प्रतीक, एक अमूर्त प्रतीक। मूर्त प्रतीक जब उनका चेहरा सामने है, कृष्ण लीला में जोगमाया पूर्णमासी के रूप में विराजमान है, महाप्रभु के लीला में राम लीला में तो भगवान के अंदर ही है। जब सचिवा ने बोला निमाई वृंदावन मत जा, तो इधर जाना पूरी में, ये जोगमाया सचिवा के मुख से कहलवाई। और कौशल्या कोई कई सुमित्रा कोई कई ने बता दे राम को तुम्हें पिता की इच्छा है 14 साल वन में जाओ, ये जोगमाया ये कहलवाई, ये अमूर्त प्रतीक रूप में। तो जोगमाया क्या किया, इसको दुखी को बिगाड़ करके इसको केशव काश्मीर को सीधा महाप्रभु के पास ले जाए। निमाई पंडित बैठे, इतने तेज प्रकाश हो रहा है, चाहिए कौन है, बोले हाँ निमाई पंडित है, निमाई पंडित। देखते उनको पॉलिटिकेशन शुरू हो गया, उसके जो डॉक्टरानी है वो लोग फिल करके बता देंगे, तो डॉक्टरानी है इधर, और भी हो सकता है, मैं जानता नहीं। उनका पल्पिट निद्रा बढ़ गया, नाम सुनते ही पूरा हाथ बना चाहता है, आके बैठे महाप्रभु हमें केशव अच्छा भी केशव कश्मीरी है, आपके तो बारे में बहुत सुना, कुछ हम लोग को सुना दीजिए। अरे क्या सुनना चाहते हो, भाग जमाना चाहते हो। बोले पंडित जी हम तो गंगा के किनारे बैठे हैं, गंगा की महिमा सुना दीजिए, वही तो चाहते थे कुछ बोले। एक घंटे के अंदर नए नए 100 श्लोक बना करके सुना दिया। जो महाप्रभु के छात्र लोग थे आदमी सोचते पहले निमाई पंडित सबसे बड़ा पंडित, बाप जी बाप इतने बड़े पंडित हैं, हम चाहे और न चाहे आपकी तो अपनी बिजली रहती है, और जो श्लोक सुन रहे हैं आपके पपने नहीं गए, मुख खोल के खुला रहे, बाप बाप इतने बड़े पंडित हैं। महाप्रभु मनिमन हंस रहे हैं, टाइम फेल बाद में पता चलेगा। जब हो गया 125 पिन ड्रॉप साइलेंस, पता पंडित जी एक श्लोक का भूल दोष विचार के सुनाएंगे, केशव काश्मीरी रचना में कोई दोष हो ही नहीं सकता है, गुण ही गुण है, कौन सा श्लोक सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु बीच वाले श्लोक को निकाला, महत्तम गंगा सततम इदम अभाति, ऐसे जब सुनाया तब जो छात्र लोग थे बाप रे बाप, हम तो इतने श्लोक में से एक भी वर्ड को याद नहीं कर सके, निमाई पंडित सिर्फ श्लोक को श्लोक ही बता दिया। अब एक दूसरे हाँ निमाई पंडित ऐसे बोल रहे हैं, देखो तो कितने सुंदर बता दिया। अब तो उनका उनका हार्ट बीट पल्पिटेशन दोनों बढ़ गया, पहले पल्पिटेशन बढ़ा था, हार्ट बीट भी जैसे इधर में होता है ना डॉक्टर जाते, ऐसे उनका अप डाउन फ्रैक्चर हो रहा है, बाप रे बाप ऐसी है। तो बता बोले पता है ना, 10 गुनी सुनाई 5 सुना दिया। माफ ने कहा मैं थोड़ा इसका दोस्त बताया दोस्त नहीं है, तो थोड़ी देर कहते किसी को आप उनको जीतना चाहते हो पहले उनका थोड़ा गुणगान वर्णन करो। जैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ब्राह्मण वैष्णव सभा में जाकर के पहले ब्राह्मणों का गुणगान किया, इतने सुंदर सुंदर गुणगान किया, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानते शास्त्र में इतना सुंदर वर्णन है, उसके बाद काटना शुरू किया। ऐसे महाप्रभु क्या पहले 5 गुण बता दिया,
इतने सुंदर तूने छिपा हुआ था। फिर बताया इसका कुछ दोस्ती है, सबसे बड़ा दोस्त है आपने बताया भवानी भर्तू, जैसे नारायण की पत्नी नारायणी, भव अर्थात शिव की पत्नी भवानी या शिवानी, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मानी। आपने बताया भवानी भर्तू, पहले पहले इस समय तो जमाना बदल गया है, पहले था सती नारी पति करे सब सहे अकातरे, सती नारी पति के लिए सब सहन करती है। सती किसे कहते हैं? अपने विवाहित पति के सिवाय और किसी पुरुष के साथ कोई प्रकार न हो उसको सती कहा जाएगा। चलो आपने बताया भवानी भर्तु, भवानी का तात्पर्य हुआ शिव की पत्नी, और फिर उनका भर्तार कह रहे हैं, तो शिव की पत्नी को शिव को छोड़कर के असी पुरुष के साथ उनका संबंध है, ये कैसे आपको बोल दिया? ये तो बिल्कुल आपने गलत कहा। जब ऐसे कह जा बच्चे लोग कितने हंसे कितने ताली बजाए, जोर से ताली बजाने लगे। अरे आप लोग महत्व पक्ष ताली बजाओ कम से कम। तब हुआ क्या? और जब ताली बजाने हंसने लगे, मामला देखो मानी व्यक्ति नाम अपमान ऋषि तुल्य, मानी व्यक्ति को अपमान मत के समान को थोड़ी मानने वाले हैं। बोले पंडित जी आप बहुत दूर से आए थके हुए हैं, यहाँ के विश्राम कीजिए और आलोचना काल करेंगे। बता दिया। अब ये संवाद पूरा नवद्वीप में जैसे जंगल में आग लग गया हो, पंडित लोग कितने खुश हैं, आपने गले गले आपस में मिल रहे लाडू बांट रहे, निमाई ऐसे कर ऐसे आ रहे और निमाई है कितना भी कम करो कोई चिंता नहीं, हम तो हार जा तो वक्त हरा दिया। बहुत रात के समय स्नान किया, देवी का मंत्र जप किया, तो देवी आपने मुझे विश्व विजय होने का वरदान दिया, एक छोटा बच्चा से हरा दिया, कोई बड़े पंडित हराता मुझे दुख नहीं होता, मैं तो और जीवन आत्महत्या कर लूँगा, न खाऊंगा न पीऊंगा आत्महत्या करूंगा। सबसे सामने प्रकट हुई ए पंडित के साथ कश्मीरी दुखी मत होना, ले मैया आपने मुझे वरदान दिया था, मैं वरदान तो दिया था विश्व विजय होने के लिए, मेरे पति के ऊपर विजय प्राप्त कर ये तो वरदान नहीं दिया था। मैया वो आपके पति है? बोला हाँ साक्षात कृष्ण है, तुम क्या मेरे पति को भी हरा देगा? मैं ये सहन कर लूंगी। देखो मंगल चाहते कल सुबह से जाकर तो चरणाश्रय करो तब तुम्हारा कल्याण है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले आ गए, आके दरिया खत्म भाई जी खुला पैर पकड़ लिया, अरे अरे पंडित क्या कर रहे हो? तो नहीं छकिएगा, मैं जान लिया आप कौन है। अब साक्षात कृष्ण ने ये बड़ी मैया बता दिया सरस्वती ने, महाप्रभु देखो सही से विद्यार फल जानी है निश्चय, जो कृष्ण पाद पद में चित्त वृत्ति है, दिग्विजय करीब विद्यार फल नहीं, दिग्विजय करो विद्या का फल नहीं है, कृष्ण चरण में चित्त वृत्ति हो तभी विद्या का फल है। बहुत उपदेश दिया, देखो मैं जब तक इस जगत में लीला करूंगा किसी को नहीं बताना, तो मार दूंगा। ये बात महाप्रभु के सत्कार से कहा था और तथ्य विप्रह से, और बीच बीच में वेश बदल करके महा दर्शन के लिए आता था। देखिए जब बताया इसे पहले था छोड़ दिया, महाप्रभु ने पूछा तुम्हें ये श्लोक कैसे ज्ञान कर लिया? मैं तो तूफान के हाथी बता के गया सत्रह नए नए श्लोक। तो बताया यदि सरस्वती की कृपा से कोई धनुर्धर धुरंधर पंडित हो सकता है, शुद्धधर भी हो सकता है ना, श्रीधर का तात्पर्य एक बार सुनेंगे या पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। इस बहुत में छोटा सा मैं गुरु महाराज की कहानी बताता हूँ। श्री बाबन मुस्तानी महाराज 9 साल उम्र में प्रभुपाद के पास आ गए थे, छोटे होने के नाते उनको स्कूल में एडमिशन करा दिया, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट मायापुर में। पहले पहले हेड टीचर लोग इंग्लिश पढ़ाते थे, हाथ में छड़ी रहता था, हमारे समय ऐसे हुआ। नए हेड टीचर आए क्लास में आए, लोग खड़े हैं बच्चे लोग, बोले बैठो। बोले फर्स्ट बॉय कौन है? हमारे दोनों ने हाथ उठाया, टेक्स्ट पढ़ो। टेक्स्ट का अर्थ होता है अंग्रेजी गद्य का बुक। गुरु महाराज जी स्वभाव से कर लजालू है, वो बुक नहीं उठाया, पूछा कर तुम्हें टेक्स्ट पढ़ने के लिए कह रहा हूँ।
तक दे दिया। इससे पहले तुम गंगा हो कि बहरा हो, तो दो साइड से दो बच्चा उठाए, क्या बात है उनको डाटा? बोले सर उनको टेक्स्ट बुक जरूरत, यहाँ टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं, मैं इनको पोएट्री के लिए नहीं कहा। बोला हाँ सर टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं है। फिर पूछा यह बात सच है? गुरु ने बताया एक किया मैंने डाउट रूल इट आउट, आपका कुछ संदेह हो संदेह निराकरण कर लीजिए। ये इंग्लिश के प्रोस हो पोएट्री हो पोएम हो आप हिस्ट्री हो बंगाली हो जियोग्राफी हो मैथमेटिक्स सब पूछ लीजिए, तो डेट बताइए मैं बता देता हूँ। बोले ऐसे नहीं होता है, जो महापुरुषों के नित्य परिकार है उनके लिए ऐसे है, तो महापुरुष साक्षात भगवान शास्त्र जनित्वात शास्त्र उनसे निकले हैं उनके चरण कमल से, क्यों नहीं होगा? एक बार हमारे गुरु भाई उनका नाम जनार्दन महाराज है, नाम गोपीकांत था। तो गुरुदेव मैंने सुना कि आप एक बार पढ़ते हैं तो भूलते नहीं, कितने श्लोक जानते हैं? तो गुरु अंगल हराम ज्यादा कितने श्लोक जानता हो? देखिए लाइब्रेरी देखिए मेरा किताब है, केवल तुम किताब का नाम बोलते हैं आप पन्ना पढ़ते हैं खुलता जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब तक ये लाइब्रेरी पूरा ना हो न मैं खाऊंगा न पीऊंगा न सोऊंगा न बातूंग जाऊंगा, क्योंकि नहीं खा सकता है न पी सकता है न बातूंग जाता न सो सकता है। कोई क्षमा करे मैं नहीं कर सकता। देखिए जब महापुरुष परिकर में तो महापुरुष कैसे होगा, ये तो एक। और दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, देखिए मैं समाप्त कर दूंगा। इस समय जैसे पहले था स्वयंवर सभा, स्वयंवर सभा क्या होता है, लड़की अपने और चुनाव करती थी, सीताजी के लिए जनक महाराज रखा, द्रौपदी के पिताजी ने रखा, ऐसे था। इस समय भी ये ग्रूम चूजिंग सेरेमनी स्वयंवर सभा चल रही है, प्रतिदिन चल रही है। ये दूसरे रूप में कैसे, ये फेसबुक के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम से माध्यम से, फोन से, स्मार्टफोन से। हम प्रचार में जाते हैं उड़ीसा में, बगल में कोई लोग बोले महाराज जी क्या कहें, हम सोचते हैं मेरी बेटा बेटी पढ़ रही है, रात को देखो 2 बजे पढ़, कैसे हो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, क्या करो? बोले माई देखो ये स्थिति है, ये घूम चूसे स्वयंवर सभा चला रही है रात को जग जग करके फोन के माध्यम से। ऐसी एक विदेशी महिला थी, उनकी प्रतिज्ञा थी अपने पिताजी से, जो कोई भी मुझे शास्त्र अर्थ में हरा देगा उसी का पति के रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, लेकिन एक कंडीशन, एक ही बार मैं शास्त्र अर्थ करूंगी, एक से बाद दूसरे बार नहीं करूंगी। ऐसे कितने लोग आए हार गए, एक दिन 5-6 पंडित हार के वापिस जा रहे थे, मन में बहुत ठेस था, हो इसे मूर्ख से शादी कराना है तब हमारा कलेजा ठंडा होगा। जा रहे थे रास्ते में देखा एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके डालियां काट रहे हैं, जैसे पेड़ है ये इस पर बैठे उधर काट रहे हैं, जब ये डाल काट गया क्या होगा, खुद गिरेगा, इसका भी उनको नॉलेज नहीं है। बोले ये बहुत बड़ा मूर्ख है, उनको नीचे उतारा। जैसे रास्ते में ये गाड़ियां चलती हैं, ये कपड़ा गिर जाए उसमें पेट्रोल डीजल मोबाइल गिर गिर करके ऐसा काला हो जाता है, चटचटा हो जाता है, गंदा होता है, ऐसे कभी स्नान तो किया नहीं, शरीर में इससे कितना बदबू आ रहा है, और कपड़ा भी ऐसे मचले मल्ला कुचेले। शादी करेगा, शादी निकले तो कि शादी का ऑफर दिया नहीं, किस बोले राजकुमारी से, राजकुमारी से कैसे, बोले बहुत सुंदरी है, मच मोर ब्यूटीफुल दैट मिस यूनिवर्स व्हाट टू से अबाउट मिस इंडिया, बोले इतनी सुंदर विश्व सुंदरी है, मिस इंडिया से बहुत सुंदरी है। बोले मुझे क्यों शादी करोगे? बोले कर लेगा कोई चिंता नहीं, व्यवस्था कर देंगे। एक बात है तुम्हें जो कहोगे तुम, बोलो हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रतिदिन लकड़ी काटना पड़ेगा। अरे लकड़ी क्या, इतने पैसा है तुम पैर के ऊपर पैर रख करके खाओ। अच्छा उनके अच्छे से साबुन से नहला दिया, पूरा बॉडी स्प्रे करा दिया और अच्छे से कपड़ा पहना दिया, मोटा तिलक कर दिया, बहुत बड़ा पगड़ी बना दिया। बोले देखो तुम्हें एक लड़की से शास्त्रार्थ करना है, तुम बिल्कुल बात नहीं करना है, इशारा से उत्तर देना, बाकी काम हम लोग कर लेंगे। ठीक है ऐसे कर लिया और गए राजकुमार के, अरे तुम लोग क्यों आ गए, क्यों आ गए हो? मैं देख से शास्त्रार्थ का नहीं करता हूँ, नहीं हम लोग शास्त्रार्थ के लिए नहीं आए, हमारे गुरु जी हैं
हमारे गुरु जी को ले आए, गुरु जी का ही मौन व्रत है वो इशारा से शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, हम लोग हार गए ना, इसलिए गुरु जी के साथ है, गुरु जी ले आए। ठीक है, सभा लगी। एक तरफ ये लड़की है, जैसे इधर लड़कियाँ बैठी हैं, और एक तरफ वो कालिदास, उसके साथ पांच छह पंडित। अब शास्त्र शुरू हो, पंडित लोग पूछ रहे हैं, आप पहले प्रश्न पूछेंगे, और गुरु जी बोल नहीं मैं ही पूछूंगी पहले। ठीक है, एक अंगुली उठाई लड़की ने, ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया। कालिदास का आया गुस्सा, उन्होंने बता दिया माफ माफ करो। तो कालिदास बिगड़ करके ऐसे दिखा रही है, तो पंडित को ताली बजा रहे हैं, गुरु जी जीत गए, गुरु जी जीत गए। तो लड़की पूछी कैसे, बोला आपने एक अंगुली उठाया, ये कहना चाहती है ईश्वर एकम एव अद्वितीयम, गणेश वन विदाउट सेकंड, भगवान एक है अद्वितीय, जिसका द्वितीय कोई है नहीं, सब बराबर के कोई है नहीं। हमारे गुरुदेव कहना चाहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी एक व्यक्ति हो प्रेम लाभ नहीं कर सकते, कृष्ण एक थे इसलिए प्रेम लाभ नहीं, इसीलिए कहा एक अहम बहु सम, मैं एक रह के बहुत होना चाहता था प्रेम आसादन करने के लिए। प्रेम के लिए शक्ति शक्तिमान दो चाहिए, ये गुरु जी बताने के लिए शक्ति एक सत्तर तभी प्रेम होगा। फिर ऐसे रखा गया, पली बजा दिया, तो लड़की हार स्वीकार कर लिया, फिर माला बदल हो गया, धूमधाम से शादी सब हो गया। अब पंडित लोग बहुत खुश है, अब बता हमारा जीवन सार्थक है। बोले देखो कालिदास, हम लोग चलते हैं अपने पत्नी सब तुम घर गृहस्थी में सब ठीक है। हुआ क्या, वो बहुत बड़ा कमरा था, सब बात कर रहे थे तो पंडित लोग को वो लड़की बहुत कुछ सामान दे दे जा रहे हैं। अब हनीमून का फर्स्ट डे, जिसको फुल सज्जा की रात बोलती है बंगालियां, फुल सज्जा का रात। अब हनीमून जो अंग्रेजी भाषा में लोग बोलते हैं, अब सब पहले मिलन की रात। अब कालिदास के पत्नी, वो कालिदास की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, पतिदेव कब आएंगे, पतिदेव कब आएंगे। अब उन लोग विदा करके कालिदास आए कमरे में, देखा ली ये तो आधा घंटा पहले एक ही कमरा था, ये कमरा के अंदर कमरा कहाँ से बना लिया, ये कहाँ से इंजीनियर ले आई। और विजय प्रभु, विजय प्रभु, हरे कृष्णा। सुना আমরা আজকে না তাড়াতাড়ি এখান থেকে একটা সময়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, যদি সাড়ে এগারোটার সময় যদি ভোগ লেগে যায় না, কেন ভোগ লেগে যাবে, বারোটার সময় প্রসাদ পেলে তুমি তো একটার সময় যেতে পারবে। আমাদের বোধহয় মহারাজের মঠে ওরাও আমাদের সঙ্গে একটার সময় যাবে, আর একসঙ্গে আমরা দুজন দু পার্টি একসঙ্গে যাবো। হ্যাঁ, এই জন্যে বেশি আইটেম না করে সাধারণ ভালো ভালো আইটেম করো, ভালো ভালো আইটেম। আধা ঘন্টার মধ্যে মকান বানা দিয়া, এসে আর্কিটেকচার মহাজ ব্যবস্থা করতে ইধর সব কিছু বন যা যে ফনি তোড় দিয়া। তো ওই কমরে কে অন্দর কমরা কে মচ্ছরদানি লাগা কে সো রই কি, ये कालिदास मच्छरदानी कभी देखा ही नहीं, मैंने मसारी को देखे ही नहीं। तो क्या किया, उसमें बिजली तो होती नहीं थी, एक घी का दीपक जल रहा था, बेड था पलंग के पास में, बहुत बड़ा ऊंचा टेबल था, उसके ऊपर दिया जल रही थी। वो चक्कर लगा, दो चार बार चक्कर लगा, कहाँ दरवाजा भी नहीं, खिड़की भी नहीं, क्या करूँ। तो क्या किया, देखिए ऊपर क्या दरवाजा रखा है, अंदर घुसू कैसे, टेबल के ऊपर चढ़ा, चढ़ करके जम किया, जम करके क्या हुआ, मच्छरदान रस्सी टूट गया, उसके ऊपर गिर पड़े हो। तब क्या हुआ, जब गिर पड़ी, वो गिर पड़े होता नहीं, तुम क्या कर रहे, क्या कर रहे हो, बता क्या करूं। तुम आधा घंटा के अंदर कमरा के अंदर कमरा बना दिया, इस पर भी एक वेंटिलेटर भी नहीं रखा, एक खिड़की भी नहीं, दरवाजा भी नहीं, मैं तुमके हेलो ओपन द डोर प्लीज, मैं कैसे कहूँ, दरवाजा खोलो, ये भी तो कोई छोड़ा नहीं। इसलिए मैं ऊपर से सोचा, ऊपर में दरवाजा होगा, इसलिए मैं चढ़ के जाम जाम किया। वो सोचा मजाक कर रहे हैं,
फुल सज्जा का रात है, हनीमून का पहला नाइट है, पूजा भजा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब दोनों एक साथ लेते थे। इतने में एक ऊंट शब्द किया, उस समय संस्कृत का उदय बलबाला था। वो लड़की पूछ रही है, इनका थोड़ा डाउट था, ये सचमुच मूर्ख या जानबूझ कर किया, क्या कारण है बताइए, किस पशु ने शब्द किया? बोला उठ रो उठ रो, संस्कृत में उठ को बोलते उष्ट्र, ये उष्ट्र उच्चारण नहीं कर सका, बता उठ रो। बोला फुल इज द ग्रेट, गेट आउट फ्रॉम माय रॉयल पैलेस, मूर्ख कहीं का जाओ राज निकल जाओ। दुख करण का मन में बहुत दुख लगा, वो क्या किया, कमरे से निकल के आया, बोले मैं आत्महत्या कर, पास में नदी था, नदी के पानी में इतना उतरा, देवी सरस्वती प्रकट हुई, कालिदास तुम्हें मरने का जरूरत नहीं है, तुम वापिस जाओ, मेरी कृपा से तुम बहुत बड़ा पंडित होगा, जब तक सूर्य चंद्र रहेगा जगत में तुम्हारा जो काट होगा पूरा दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, कहीं भी संस्कृत विषय, कहीं भी विषय संस्कृत पाठ हो कालिदास का ये जरूर रहेगा। आए निकल के, गीला कपड़ा, पानी चू चू आ रहा है, आके दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खोली बताया अस्ति कश्चित बाघ विशेष, तो तुमसे कुछ बात करनी है, बता अगर तुम अस्ति कश्चित बाघ विशेष 3 सप्ताह से 3 महाकाव्य बनाओगे तब तुम्हें मैं पुत्र के रूप में अंगीकार करूंगी। लिख दिया, फिर मिलन हुआ। देखिए एक माँ को उदाहरण दिया, सरस्वती का बड़ पुत्र होने के नाते केशव का कितने बड़े पंडित थे, ऐसे ही ये सरस्वती की कृपा से ये कालिदास कितने बड़े पंडित बन गए। कृष्ण कहना चाहते एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, इसे महाराज बोल रहे थे अरे तुम कितने बड़े उदार हो, कितने सुंदर साड़ी लाके दिए हो और कितने अलंकार लाके दिए हो, ऐसे ये कृष्ण कह रहे हैं एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा, सरस्वती के ऊपर जिसकी कृपा होगी तो बहुत बड़े विद्वान जगत में कोई हरा नहीं सकते। इसके बाद दूसरी पत्नी और बच्चे का बात फिर हम लोग फिर का आलोचना करें, यहीं तक रहे, क्योंकि बताया भूखे भजन न होए गोपाला, ले ली ले ले तेरी कंठी माला। आप लोग भूखे हैं, प्रसाद आ गया, आप लोग तो इधर, हम लोग देख रहे हैं हमारे जीवन से लाल टपक रहा है, प्रसाद कर मिले देखो। श्री जगन्नाथ जी जब जाते हैं लक्ष्मी को, उन्होंने बोल करके जाते हैं, लक्ष्मी प्रश्न करती है, बोले प्रभु कब आओगे? बोले देखो मैं आज जा रहा हूँ, फिर एक दिन बाद में फिर परसों आ जाऊंगा। लेकिन जाते समय जगन्नाथ जी लक्ष्मी को उतना ही दे करके जाते, केवल 2-3 दिन के लिए, और जो उनका जो भंडारा है उसका जरा चाबी काटी लगा करके और उसको चाबी की गुच्छा साथ में ले जाते। लेकिन एक दिन ही हो गया आए नहीं, 2 दिन ही हो गया आए नहीं, 3 दिन ही हो गया आए नहीं, 4 दिन ही हो गया आए नहीं, जब नहीं आए ना 5 दिन में ना इतना क्रोध लक्ष्मी को आई, बोले 2 दिन बोल करके 5 दिन ही हो गया अभी नहीं आए। इतने में लक्ष्मी ने किया कि देखो एक स्त्रियों का स्वभाव क्या जानते हो, अगर किसी पत्नी को पता चला मेरे जो पति है ना और किसको प्रेम कर रहा है, अब बताओ क्या करेगा जानते हो, सारा दुनिया में ढिंडरा पिटवा देगी, जिसको देखेगी ना उसको बोलते रहेगी, जानते हो क्या करता है, जानते हो क्या करता है, लक्ष्मी घर से बाहर निकल करके आ गई और जो आई ना उसको ही बोलते रही, जानते हो जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, 2 दिन बोलकर 5 दिन हो गया अभी तक आया नहीं, और 2 दिन के लिए मेरे को खाना दिया, इसलिए लक्ष्मी बाहर चली आती है बैठती है, फिर जो आता है ना लक्ष्मी को सबके साथ कुछ डोनेशन देते हैं, फिर लक्ष्मी अपना सन्या सामंत लेकर जाती है और जा करके उन्होंने पहले तो जगन्नाथ जी का जो पहिया है ना एक पहिया को तोड़ देती है। महाप्रभु कहते देखो स्त्रियां अगर मान करे ना क्या क्रोध है इनके अंदर में, और जगन्नाथ जी के पहिया तोड़ दी, अंदर में गई सिंहासन में बैठ गई, अपना सेवकों का आदेश दिया ये जितने गोपियां मेरे प्रभु को आने ले आए और जाने नहीं दे रहे, पकड़ पकड़ करके ले आओ, और जाकर उसमें 2 पार्टी होती है, एक लक्ष्मी की पार्टी और एक गोपियों की ब्रजवासियों का पार्टी, और वहां पर अभी जो सेवा करेंगे ना 1 महीना तक ये सब के सब ललिता की परिवार से आई है।
अब कथा सुने होंगे, ललिता की परिवार से आए हैं। इसलिए विद्यापति की दो पत्नी है, एक ललिता जो सबरी और एक ब्राह्मणी। जो ब्राह्मणी के जो जो जितने बच्चे हैं वो एक साल तक वो पूजा करते हैं, लेकिन ललिता की गर्भ से जो बच्चे हुए केवल एक महीना वो पूजा करते हैं। बोले क्यों? कहते ये सबरी के बच्चे है ना, इनकी ब्रज भावना है, ब्रजवासी। बोले उनको पकड़ पकड़ कर लाओ, और गले में रस्सी बांध करके कपड़े से पकड़ पकड़ करके लाते हैं लक्ष्मी के पास में। कहते मेरे पति को क्यों तुम लोग इतने दिन तक रखे हो? वो बोल लेते दो दिन बाद में वापस आ जाएंगे, अभी तक भी वापस नहीं आए। फिर वो माफी मांगते हैं, आप क्रोध मत किया करो, हम जल्दी से जल्दी आपके पति को हम भेज रहे हैं। माँ लक्ष्मी इस तरह से खुश होकर आए, लेकिन जब जगन्नाथ जी आए ना, दो दिन के लिए तो गए, लेकिन करीब करीब 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी आए। जब आए इतने में लक्ष्मी ने किया नहीं जानते हो, आकर के दरवाजा बंद कर दिया। बोले इसको घर में घुसने नहीं दूंगी, जब घुसने नहीं दूंगी। अभी श्री बलदेव प्रभु, जब बलदेव प्रभु आए वहाँ पर दो पार्टी बनते हैं, एक तो लक्ष्मी की पार्टी और दूसरे श्री जगन्नाथ जी की पार्टी। अभी जब बलदेव प्रभु आए, लक्ष्मी प्रश्न करती है, दरवाजा बंद करके बैठी हुई, सखियों से पूछती कौन आए? बोले तेरे जेठ आए। आपको पता होगा जेठ में कितना ताकत और क्या। बोले जेठ आए, बोले जेठ से कोई लड़ाई नहीं, दरवाजा खोल दो। बलदेव प्रभु चले। और दूसरे में आई सुभद्रा, बोले कौन आई? बोले तेरी ननद आई। आपको पता होगा ननद कितने तेजी है, कितने तेजी, आपको पता होगा ननद। बोले ननद आई, भैया बड़े तेज, इसको भी दरवाजा खोल दो। सुभद्रा चली। बोले कौन आए? बोले तेरे खसम आए। बोले तेरे खसम, तेरे पति आए, हाँ कृष्ण आए। बोले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, उसको घुसने मत देंगे। हाँ झगड़ा पति को साथ में, जेठ और ननद को साथ में बंद कर दिए। लक्ष्मी ने पूछा कितना दिन हो गया? दो दिन के लिए गए थे ना, कितनी दिन बाद में आ रहे हो? लेकिन कृष्ण तो चलिया है, वो तो तीन जगह से टेढ़े हैं, हाँ वो चलिया है। जो राधा रानी का जो दुर्जय मान है ना, गोपियों की जो मान है, ऐसे मान दुनिया में कुछ है नहीं। लेकिन कृष्ण भी राधा रानी को गोपियों की मान को बनाने वाले, जो राधा रानी के मान बना सकते हैं, लक्ष्मी का मान तो कुछ है ही नहीं उसको सामने, कुछ भी नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी को पता है, देखो ध्यान से सुनो, जितने पुरुष लोगों को सुनो अच्छे तरह से, पत्नी को मनाना तो क्या दे करके आप मना सकते हो? जगन्नाथ जी को जो बोले कितना दिन बाद में आए, क्यों कितना दिन क्यों आए, गए जब वहीं पर रहो, जरूरत नहीं आने, वहीं पर चले जाओ। जगन्नाथ जी कहते देखो इसमें मेरी थोड़ी कोई कसर है। बोले आपका कसर नहीं किसके? बोले जब मैंने विदेश से गया घूमने के लिए, तेरे लिए कुछ लाए बगैर लाद थोड़ी आ सकता हूँ तेरे लिए ना। तू जो पसंद करती हो साड़ी, बनारसी साड़ी, उसमें सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम, बड़ी सुंदर है नील रंग का साड़ी तेरे लिए मैंने ऑर्डर दिया था, और सोने की बढ़िया। तू जो लाइक करते हो तुम्हारी सर से लेकर प्यार तक, नाक के लिए, कान के लिए, सर के लिए, गले के लिए, पहले माताएं बहुत अलंकार पहनते थे, वो सारे मैंने अलंकार ऑर्डर दिया था तेरे वजह से। अभी अगर देने में लेट कर दिया तो मेरा दोष क्या है? खाली हाथ से कैसे आ सकता था? इसलिए मैंने ऑर्डर दिया था और देने में लेट कर दिया। बोले और क्या लायो जानते? बोले क्या? बोले तेरे को जो लायक ना रसगुल्ला, हाँ एकदम स्पेशल रसगुल्ला मैंने ऑर्डर दे करके तेरे लिए मैंने ये रसगुल्ला लाया हूँ। बस लक्ष्मी जब सुनी जे मेरे लिए ये तीन चीज आए, गए थे गए, लेकिन मेरे को याद किया। और जगन्नाथ जी से क्या कहते हैं, स्त्रियों को खुश करना तो क्या करना, हाँ तीन चीज उनके लिए लेकर के आओ। पहला तो उनको लाइक जो साड़ी, आपको पता होगा सारी दुकान में जाएंगे ना, जितने साड़ी सब खोलते सारे बोले ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, और लास्ट में देख देख कर ना कुछ भी पसंद नहीं करो छोड़ कर आ देना। इसलिए बोले तुम्हारा सिलाई की साड़ी लाए, और क्या बोले गहना बड़े सुंदर है, हमारे जो जयपुरी के सोने की गहना लाया। मान धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन जब देखा सुना रसगुल्ला भी स्पेशल रसगुल्ला लाए, मैं तो लक्ष्मी की जीवा से पानी निकल गया, पानी आ गया। बोले रसगुल्ला भी लाए मेरे लिए, बोले अभी दरवाजा खोल दो। फिर दरवाजा खोल दिए, फिर माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को बड़े सुंदर हार से उतार दिए। बोले जय जय राधा कृष्ण आरती करायो ललिता दि सखी मदन मोहन रूप ललिता।
ठाकुर जी का आरती उतार कर लिए श्री जगन्नाथ बलदेव को सुबह अंदर में लेकर जाते। ये जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीला करते हैं, इसलिए रथ नहीं, ये रथ श्रीमती राधा रानी के हृदय है। इसलिए कृष्ण जब कुरुक्षेत्र से मिले, राधा रानी कह रहे हैं श्याम सुंदर आप भी वही श्याम सुंदर, मैं भी वही राधिका हूँ। लेकिन जब हम वृंदावन में जहाँ सुंदर कलकलनाद से जहाँ जमुना बहती है, जहाँ पर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर, जहाँ फूल खिले हुए, जहाँ पर कोयल कू कू करती हैं, मयूर के कहा करते थे, जब हम वो निकुंज में जब हम दोनों मिलन होता था उसमें जो आनंद है ना, ये आनंद यहाँ है नहीं। यहाँ पर रथ है, घोड़ा, हाथी, आपका शरीर में ब्रज का कोई वेश है ही नहीं। कहाँ आपकी मुरली मुकुट, कहाँ आपकी बंसुरी, कहाँ आपकी मयूर पंख, कहाँ है, अब तो कोई ब्रज का कोई चिन्ह ही नहीं। अगर मुझे आप प्रसन्न करना चाहते हो, मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो और आपका हम वृंदा ये द्वारका से कुरुक्षेत्र से अब आपको हम वृंदावन ले जाएंगे। इसी भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भाव से अपना हृदय रूपी रथ में श्री श्याम सुंदर को बैठाते हुए कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन। इसलिए आप लोगों भी इसी भाव से जगन्नाथ की रथ यात्रा दर्शन करने के लिए जाना, तभी महाप्रभु जब आए ये सुंदर भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही ये भाव दिए हैं। उसको पहले तो करते थे लेकिन उनको इतना पता नहीं था, क्यों गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको सब पता नहीं था, लेकिन महाप्रभु ने ये दिव्य भाव उन्होंने हमें प्रदान किया। गीताई गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण। आप लोगों ने सुना महाराज जी कथा में राधा जी का प्रजल्प अभिजल्प विजल्प बता रहे थे। राधा जी इसमें कह रही थी तो जितने जगत में काले लोग हैं ना ठग है, ये बामन देव का उदाहरण दिया, देखो ऐसे काला है, आए बामन रूप में और भर लिया त्रिविक्रम रूप, तीन पग में सब नाप लिया, और एक काला है जो राम रूप में आए थे, देखो तो ये महिला का ये उनका नियम है, अच्छा चीज है वह देख के फिदा हो जाती है, राम इतने सुंदर रूप बना के क्यों जंगल में आए, तो लड़की का उनका मन लग गया तो उसका दोष क्या है, तुम बता दे नहीं भाई मेरी पत्नी है मैं तुम्हें शादी नहीं करूंगा, नाक कान करके नाक काटी कान काटी करके छोड़ी, उन्होंने खुद ग्रहण नहीं किया, किसी को भी ग्रहण योग्य नहीं रखा, जितने काले लोग ऐसे ठग होते हैं। देखो महाराज जी ये लक्ष्मी विजय सुना रहे थे, क्यों जानते हो, वो हमसे काले ठग है। देखो ये जब ये लक्ष्मी विजय हेरापन जी इतने दिन तक उसमें कथा सुनाना चाहिए, काली भागने वाले हैं इसलिए ये इतने ठग है, काले लोग ठग है, ठग करके अब लोगों सुर फुटी बात जागे काली, इसलिए सुना है। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, महाप्रसाद की जय, महाप्रसाद में लाइन करके बैठ जाइए, लाइन करके बैठ जाइए, महाप्रसाद पांडू।